वीर है चला शमशी। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के अब तक के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म पंगा और स्ट्रीट डांसर के शुरुआती 10 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें कंगना रनौत की फिल्म पंगा के बारे में, तो पंगा फिल्म का बजट था लगभग 30 करोड़ रुपए और इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड 1900 स्क्रीन में रिलीज किया था, जिसमें फिल्म को इंडिया में मिली थी 1450 स्क्रीन और ओवरसीज मार्केट में मिली थी 450 स्क्रीन। दोस्तों फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 2,70,00,000 रुपये का और फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में यानी शुरुआती 7 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था 21,36,00,000 रुपए का। लेकिन दूसरा हफ्ता शुरू होते ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से दम तोड़ गई और फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 8वें दिन कमाए 90,00,000 रुपए, 9वें दिन कमाए 2 करोड़ रुपए, वही 10वें दिन 2,30,00,000 रुपए। बात की जाए 11वें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म 11वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 60,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों पंगा फिल्म का अब तक का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 27,10,00,000 रुपए, वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 34,30,00,000 रुपए और फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में अभी तक कमाए हैं 8 करोड़ रुपए। इसी के साथ पंगा फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 42 करोड़ यानी 42 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात करें पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के बारे में, तो दोस्तों वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, नोरा फतेह और प्रभुदेवा की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D, जिस फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगू 3 भाषाओं में रिलीज किया था और दोस्तों फिल्म को वर्ल्ड वाइड 4,000 से भी ज़्यादा स्क्रीन मिली थी। फिल्म का भी दूसरा हफ्ता चल रहा है। अगर बात करें फिल्म के पहले हफ्ते के कलेक्शन की, तो फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 10,26,00,000 रुपये का और फिल्म ने शुरुआती 7 दिन यानी कि अपने पहले हफ्ते में इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था 56,77,00,000 रुपए। वही दोस्तों फिल्म का दूसरे हफ्ते में 8वें दिन कलेक्शन था 2,10,00,000 रुपए, 9वें दिन था 3,40,00,000 रुपए, वही 10वें दिन 5 करोड़ रुपए। बात की जाए 11वें दिन के कलेक्शन की, तो स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म 11वें दिन कमा रही है 1,50,00,000 रुपए। इसी के साथ स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 70 करोड़ रुपए हो रहा है, वही इंडिया का ग्रोथ कलेक्शन 84 करोड़ रुपए। और बात की जाए फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन की, तो स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से अभी तक कमाई की है लगभग 16 करोड़ रुपए की। इसी के साथ दोस्तों स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म का अब तक का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो चुका है लगभग 100 करोड़ रुपए, जहां दोस्तों फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 100 करोड़ की कमाई कर चुकी है। दोस्तों अब अगर बात करें सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के बारे में, तो दोस्तों तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जब से रिलीज हुई है और आज जहां फिल्म का चौथा हफ्ता चल रहा है, अब तक फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन आते जा रहे हैं और इस फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते में दंगल, बाहुबली और एक था टाइगर जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों को बड़ा कॉम्पिटिशन दिया और फिल्म के कलेक्शन काफ़ी लाजवाब रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अजय देवगन, काजोल, सैफ अली खान और शरद केलकर की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर, जिस फिल्म को रिलीज किया गया था 10 जनवरी को और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब लगभग 1 महीना पूरा करने में आ चुके हैं, उसके बाद भी फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर इस तरह से चल रही है जैसे कि फिल्म को इसी हफ्ते रिलीज किया हो। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने इस हफ्ते रिलीज हुई और पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों से ज़्यादा कलेक्शन अपने चौथे हफ्ते में किया है। अगर बात करें फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन की, तो दोस्तों तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 119 करोड़ रुपए और फिल्म ने दूसरे हफ्ते में कमाए थे 78,54,00,000 रुपए। बात करें तीसरे हफ्ते की, तो फिल्म ने तीसरे हफ्ते में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन किया था लगभग 41 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने चौथे हफ्ते में भी काफी अच्छा होल्ड बनाए रखा और फिल्म ने चौथे हफ्ते में 22वें दिन कमाए 2,77,00,000 रुपए, 23वें दिन फिल्म का कलेक्शन था 4,48,00,000 रुपए और फिल्म ने 24वें दिन लगभग 6.5 करोड़ की कमाई की। इसी
के साथ दोस्तों फिल्म ने चौथे वीकेंड में लगभग 12 करोड़ रुपए कमा लिए थे, जिसके साथ ही दोस्तों फिल्म का शुरुआती 24 दिनों में टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुका था 251 करोड़ रुपए। बात की जाए फिल्म के 25वें दिन के कलेक्शन की तो दोस्तों ये फिल्म 25वें दिन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है और इस फिल्म का 25वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है लगभग 2 करोड़ रुपये। इसी के साथ दोस्तों तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म का अब तक का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 253 करोड़, यानी कि 253 करोड़ रुपए। वही बात करें ग्रोस कलेक्शन की तो तानाजी द अनसंग वॉरियर का इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 296 करोड़ रुपए। वही फिल्म का ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 38 करोड़, यानी कि 38 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 334 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 334 करोड़ की कमाई करके हो चुकी है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट। हालांकि दोस्तों अगर आपने तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म अभी तक नहीं देखी तो इस फिल्म को बिल्कुल मिस ना करें, इस फिल्म को जरूर देखें अपने पूरे परिवार के साथ। और अगर आप फिल्म देखकर आ चुके हो तो तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।